सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी भी चल रहा है और यहाँ पेपर पूरी तरह से चीटिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये रोल नंबर आप चेक सकते हैं सेंटर का, एक मिनट सेंटर का नाम है ये आर्य गर्ग ऑफ इंस्टीट्यूट, और सारे बच्चे पेपर से उठ चुके हैं, 45-50 मिनट हो चुका है, पेपर बच्चे ऊपर से उठ चुके हैं, कोई भी पेपर नहीं दे रहा है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है या पेपर आउट हो चुका है, प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इस तरीके का, किसी भी तरीके का प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। FIR के नाम पे प्रशासन एक घंटे से हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और ये देखिए पूरी तरह अभी भी टाइमर चल रहा है और बच्चे पेपर से उठ चुके हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक बच्चे को नकल कराने के लिए मल्टीपल जगह कराने के लिए यहाँ का स्टाफ खुद चीटिंग करा रहा है, प्रॉपर तरीके से चीटिंग करा रहा है यहाँ पे। टाइमर रोका गया है भाई, मोबाइल किसके पास है? सबके पास है भाई। नहीं तो एक हाईकोर्ट के कुछ स्टाफ हैं, ट्वीट हो रहा है इस तरीके से पूरी तरीके से चीटिंग हो रही है और ये वीडियो इसी चीज का बनाया जा रहा है, ठीक है। बच्चों के बगल में प्रॉपर बैठ के चीटिंग कराई गई है सॉल्व करके, और जिस बंदे को बोला गया है वो बंदा भाग चुका है वहां से, प्रॉपर तरीके से भाग चुका है यहाँ से। सीसीटीवी कैमरे का प्रूफ ये नहीं देना चाह रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, कह रहे हम देख लेंगे, नहीं कह रहे हम देख लेंगे, बोल रहे हम देख लेंगे, और कोई भी देखा नहीं गया है। और ये सेंटर के डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टली डिनाई कर रहे थे कि कोई वीडियो ना बनाया जाए, पर प्रॉपर वीडियो बनना जरूरी था, ये वीडियो बनने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सर मना कर रहे थे, पर इन्होंने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया, एक घंटे से हो चुका है, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से लोग डर रहे हैं, हमें शांत कराया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, प्रशासन बाहर खड़ा है, बच्चे बाहर आ चुके हैं, कोई पेपर नहीं हुआ, अभी टाइपिंग की परीक्षा बाकी है, और पूरी तरीके से एक सिस्टम पूरी तरीके से तास नास है, पूरी तरीके से सिस्टम नहीं है। पेपर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से 6 बज चुका है, सब बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, सारे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिस्टम चल रहा है और ये चीटिंग हो रही है, अभी भी पेपर हो चुका है, अभी भी टाइमर इसका चल रहा है बंदे का, ये सिस्टम पूरी तरीके से हैक्ड है, सिस्टम कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा है, पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है ये, और ये बंदा खुद जान नहीं रहा है किसका सिस्टम चल रहा है, ये देखिए इसको खुद नहीं पता किसका सिस्टम क्यों चल रहा है, 3 घंटा कंप्लीट हो चुका है पर इसका सिस्टम चल रहा है, अभी 6 से ऊपर हो चुका है, और देखिए आप सबको देखिए पेपर ओवर हो चुका है, पेपर 2 कोई नहीं दे रहा है, ये सेक्टर का नाम है आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वाराणसी, चल रहे सारे बच्चे पेपर छोड़ चुके हैं यहाँ पे, कोई पेपर नहीं दे रहा है, सब चले, अकेले नहीं, अकेले मुझे कोई नहीं ले जाएगा क्योंकि मुझे कोने में ले जाके मुझसे डील किया जा रहा है, मैं डील नहीं करूंगा बिल्कुल रूप से, एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, बिल्कुल एथिक्स मेरे इस चीज का गवाह नहीं देगा कभी जिंदगी में, नहीं कभी एथिक्स का गवाह नहीं देगा मेरा इस चीज का। बच्चे का आप नाम देखिए, दिमलेश पटेल नाम है, उसको चीटिंग कराई जा रही थी, इसका रोल नंबर भी होगा, इसका रोल नंबर है UP 16004188, इसी बच्चे को नकल कराया जा रहा था, और ये नकल कहाँ कराया जा रहा था इसका कोई प्रूफ नहीं है, और साक्षात गवाह है इसके बगल में बैठे हुए सिस्टम, इस बच्चे का लॉगिन यहाँ पे दिखा दिया गया एग्जिट, जबकि इसने कहीं और लॉगिन नहीं किया और ऑटोमेटिक यहाँ भी लॉगिन हो गया है इसका, इसका सिस्टम हैक्ड है, ये बच्चा ऑपरेट यहाँ कर रहा था और अपने आप ऑटोमेटिक लॉगिन वहाँ पे हुआ है, यहाँ भी प्रूफ था, सबके सिस्टम बंद हो चुके क्योंकि 6 बजे से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से लीक है पेपर और चीटिंग कराई जा रही थी प्रॉपर तरीके से, सबका पेपर एग्जिट हो चुका है लेकिन कुछ लोगों का पेपर अभी भी चल रहा है, इसका टाइमर देखिए, और प्रॉपर चीटिंग कराने वाले व्यक्ति को भगा दिया सेंटर ने, प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया पूरी रूप से लेने की कोशिश की है, अभी तक वो जारी कर रहा है, प्रशासन अपनी क्रिया ले रहा है, प्रतिक्रिया ले रहा है, लेकिन अब प्रतिक्रिया का रिजल्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता, इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, नाम रोल नंबर इसका पूरा प्रॉपर फिर से बता दे रहा हूँ, विमलेश पटेल नाम है और रोल नंबर है UP 16004188। मैं तो सबको बोला था पेपर छोड़ने के लिए, यार कोई दे रहा है इसका मतलब सबका सेटिंग है, ये भी देखा जाए पेपर खत्म हो चुका है, आधे से ज्यादा 90% लोग बाहर हैं, लेकिन कुछ लोग पेपर अभी भी दे रहे हैं, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट की गई थी बट कोई भी चीज के लिए कॉपरेट नहीं करता, चीटिंग होता तो लोग गाली जरूर देंगे सरकार को, लेकिन खुद कभी नहीं खड़ा होते हैं, ये लोग टाइपिंग अभी भी कर रहे हैं, अब किसकी सेटिंग है किसकी नहीं सेटिंग है कुछ पता नहीं है, यहाँ भी सेटिंग हो सकता है, यहाँ भी सेटिंग हो, हर जगह सेटिंग की गई इसलिए पेपर दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी लोग पेपर नहीं दे रहे हैं, 90% लोग पेपर नहीं दे रहे, केवल 8 से 10 बच्चे जो पेपर दे रहे हैं और बाकी कोई पेपर नहीं दे रहा है, प्रॉपर तरीके पेपर नहीं होगा यार, किसी तरीके से नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड है, जो लोग दे रहे हैं उनको एग्जाम के लिए 8 लोग गिने गिने पेपर दे रहे हैं, बाकी कोई पेपर नहीं दे रहा, टाइपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लोग कोई पेपर नहीं दे रहा, बाकी ये लोग सिर्फ पेपर दे रहे हैं, बाकी 90% लोग पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और इनकी भी सेटिंग है इसलिए लोग पेपर दे रहे हैं। हाँ भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल कहाँ से आया, तो मैं 5:40 पे, मेरा नाम अभिनव है और मैं यहाँ पे जब पेपर हो रहा था उसके बीच में ही 4:50 पे यहाँ काफी लोग खड़े हो चुके थे, विद्रोह करके हम लोग पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से विफल थी, उनको हटा के हम लोगों ने यहाँ पे जाके अपना मोबाइल लिया है, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पूरी तरीके से ऑथोराइज है, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और बिना किसी के गुंजाइश के से नहीं बना, वीडियो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, ठीक है, अभी भी टाइम यहाँ बच चल रहा है, नाम चेंज है, देखिए 2 जगह एक ही साथ सिस्टम चल रहा है अभी भी,
गई और पेपर जबकि टाइपिंग का समय है ये मल्टी लॉगिंग, ये मल्टी लॉगिंग इस बच्चे की मल्टी लॉगिंग, जबकि इसका कोई गलती नहीं है। इस बच्चे ने सिर्फ ये किया था कि नकल करने वाले के लिए अगेंस्ट खड़ा हुआ, इसका नकल हुआ था, इसके अगेंस्ट लड़का खड़ा हुआ तो उसका लॉगिन यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ऑटोमेटिक लॉगिन हो गई और वो अभी भी वीडियो चल रहा है, प्रॉपर लेक्चर चल रहा है प्रॉपर तरीके से। भाई अभी भाई बैठा हुआ था बगल में, इसका पेपर चल रहा था, प्रत्यक्ष ठीक है, पूरे सेंटर मदद की है, पूरे सेंटर मैनेजमेंट दिया है भागने के लिए क्योंकि कोई भी आ नहीं जा सकता, एग्जाम के बीच में कोई आ जा नहीं सकता है। जब बिटवीन एग्जाम कोई भाग सकता है आ सकता है, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से सेंटर अगेंस्ट था। और देखिए अभी भी कुछ लोग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट देने का कारण सिर्फ ये है कि सबकी सेटिंग है इसलिए वो टाइपिंग दे रहे हैं, उनको बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम में सिलेक्शन होना है इसलिए वो टाइपिंग दे रहे हैं, पर ये एग्जाम का सिर्फ पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। और मैं इसका बिल्कुल पूरी तरह से हम सभी लोग इस चीज का आगाह करते हैं, पेपर कैंसिल विरोध होना है कि ये पेपर कैंसिल होगा। हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, ये बार बार फोन पे बात तो कर रहे हैं पर उन्होंने क्लियर नहीं किया है, उनको पता है कि सिस्टम चल रहा है गलत। सर ही बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी है, एसएसपी साहब भी हैं यहाँ पे, सभी लोग खड़े हैं पर कोई इस तरीके से अभी तक लीगल एक्शन लिया नहीं गया। सर कोशिश कर रहे हैं, जरूर प्रशासन कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ कैंसिल होना चाहिए पूर्ण रूप से और ये पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। हाँ भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल कहाँ से आया, तो मैं 5:40 पे, मेरा नाम अभिनव है और मैं यहाँ पे जब पेपर हो रहा था उसके बीच में ही 4:50 पे यहाँ काफी लोग खड़े हो चुके थे, विद्रोह करके हम लोग पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से विफल थी, उनको हटा के हम लोगों ने यहाँ पे जाके अपना मोबाइल लिया है, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पूरी तरीके से ऑथोराइज है, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और बिना किसी के गुंजाइश के नहीं बना, वीडियो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अभी भी टाइम यहाँ पर चल रहा है, नाम चेंज है, देखिए दो जगह एक ही सिस्टम चल रहा है अभी भी और पेपर जबकि टाइपिंग का समय है ये मल्टी लॉगिंग, ये मल्टी लॉगिंग इस बच्चे की मल्टी लॉगिंग, जबकि इसका कोई गलती नहीं है, इस बच्चे ने सिर्फ ये किया था कि नकल करने वाले के लिए अगेंस्ट खड़ा हुआ, इसका नकल हुआ था, इसके अगेंस्ट लड़का खड़ा हुआ तो उसका लॉगिन यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ऑटोमेटिक लॉगिन हो गई और वो अभी भी वीडियो चल रहा है, प्रॉपर लेक्चर चल रहा है प्रॉपर तरीके से। भाई अभी भाई बैठा हुआ था बगल में, इसका पेपर चल रहा था, प्रत्यक्ष नकल कर रहा था, मैंने पकड़ने की कोशिश किया लेकिन ठीक है, पूरे सेंटर मैनेजमेंट दिया है भागने के लिए क्योंकि कोई भी आ नहीं जा सकता, एग्जाम के बीच में कोई आ जा नहीं सकता है। जब बिटवीन एग्जाम कोई भाग सकता है आ सकता है, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से सेंटर अगेंस्ट था। और देखिए अभी भी कुछ लोग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट देने का कारण सिर्फ ये है कि सबकी सेटिंग है इसलिए वो टाइपिंग दे रहे हैं, उनको बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम में सिलेक्शन होना है इसलिए वो टाइपिंग दे रहे हैं, पर ये एग्जाम का सिर्फ पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। और मैं इसका बिल्कुल पूरी तरह से हम सभी लोग इस चीज का आगाह करते हैं, पेपर कैंसिल विरोध होना है कि ये पेपर कैंसिल होगा। हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, ये बार बार फोन पे बात तो कर रहे हैं पर उन्होंने क्लियर नहीं किया है, उनको पता है कि सिस्टम चल रहा है गलत।